रामपुर में आज दयावती मोदी अकेडमी डीएमए स्कूल के बस पलटने से हुआ एक बड़ा हादसा। पनवड़िया बाईपास पर हुआ, जहां डीएमए स्कूल के बस 45 बच्चों को स्कूल से लेकर घर लेकर जा रही थी, तभी ड्राइवर की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, जिसमें 3 बच्चों सहित 1 टीचर हुई घायल। बाकी शेष बच्चों को दूसरी बस से उनके घर किया रवाना। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस के साथ घटना स्थल पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, स्कूल के टीचर हुए, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ पहुँच गए, कोतवाली थी उनका, डॉक्टर सारिक से मेरी बात हो गई, उपचार हो रहा है। शेष बच्चों को दूसरी बस से उनके घर रवाना कर दिया गया है, वो अपने घरों को पहुंच गए। सर, इसमें टोटल बच्चे कितने रहे होंगे? टोटल बच्चे 45 बने। तो सर, जिस तरह से बस आप मौके पर देख रहे कंडीशन है, क्या लगता नहीं प्रशासन को कि ऐसे बसों के खिलाफ या स्कूल के खिलाफ अभियान चलाया जाए? लेकिन निश्चित रूप से ये जो प्रथम दृष्टया चीज समझ में आ रही है, ये ड्राइवर की अपनी लापरवाही है। बस की कंडीशन फिटनेस उसका अलग डिपार्टमेंट है, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो भी इसी मामले में पकड़ में आएगा कि इसकी फिटनेस थी कि नहीं थी, क्योंकि वो आरटीओ डिपार्टमेंट से जारी होती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सर्विस लेन पे ड्राइवर दाहिने चक्के को इतना ऊंचा चढ़ाया कि बस बाईं तरफ पलट गई, तो कार्रवाई होगी। ड्राइवर जितनी बड़ी दुर्घटना के बाद कार्रवाई तो मतलब स्वयं होना है, होनी ही होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्राइवर की ही लापरवाही आ रही, क्योंकि सर्विस लेन खाली है, वो चाहे नींद में है, चाहे नशे में है, चाहे लापरवाही से उसने दाहिना पहिया न चढ़ाया होता तो ये घटना। सर, क्या कहीं ना कहीं स्कूल की भूमिका संदिग्ध नहीं है? देखिए, अब मैंने फिर बताया ना कि ये तो सब सारे जांच का विषय है कि स्कूल की इसमें क्या भूमिका है, किस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, लेकिन निश्चित रूप से यदि हम शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का साधन अपने दे रहे हैं, तो हमको जो कुछ भी मानक तय हैं भारत सरकार से, उन मानकों का हमें पालन करना ही। लेके आ रही थी, बाईपास से नीचे उतरी है, इसके बाद चूंकि रोड में ये गड्ढे हैं, उसको बचाने चक्कर में एक पहिया उस पर डिवाइडर, उसकी जो आपका फ्लाईओवर है उसके उस पर साइड चढ़ी है और पलट गई है। कितने बच्चे घायल हुए? बच्चे केवल 3 घायल हुए हैं, 3 में कोई उसकी स्थिति में नहीं है, सीरियस नहीं है, नॉर्मल। एक बच्चे के गाल पे चोट आई है, एक बच्चे का हल्का सा कान खुला है और बाकी एक तीसरे घूम रहा है केवल।